कुर्ता पहना हुआ था, सबसे पहले उन्होंने मेरे कुर्ते बाहर की कि मुल्ला का आ गया, ये कोरोना फैला रहा है, इसे मारो। और मुझे वहाँ पे सब जान पहचान के मोहल्ले के हिंदू लोग थे, उन्होंने मुझे किसी ने न बचाया। अच्छे से मेरा बच्चा आया तो सब रोजा खोलने के बाद मेरा बच्चा घूमने के लिए थोड़ा सा निकला था, उसके सीने में दर्द हुआ था, एक केमिस्ट्री दुकान पे इनो लेने गया था। अच्छा, जो शिवपुरी में पड़ती है जी, तो वहाँ कुछ लोगों ने देखा कुर्ता पजामा पहने थे, उसको छूट से ही बोलते हैं कि साहब ये कटुआ आ गया, मुसलमान आ गया, कोरोना ने लेके आया, इसको पकड़ लिया। एक पागल लड़का है जो हर वक्त यही कहता है कि कटुए हैं, पकड़ लो इसको, मारो इनको, कोरोना फैला रहे। उसके साथ साथ 10 लोग और हैं। अच्छा, जो कि पीछे ढाटे लगे हुए पकड़ा गया है, पकड़ के उसको इतना मारा, सेटर में मारा है, पूरे 2-3 बार और भी कर चुके हैं चरा। तो फिर वहाँ से कैसे यहाँ वहाँ से खुद लड़क गिरता हुआ आया बच्चा हमारा, तो हमारे और कुछ भाई बंदूक वहाँ खड़े थे, जब उन्होंने देखा था वहाँ खबर दी कि तुम्हारे बेटे को किसी ने मारा। मैंने पूछा कि पापा तुझे 10 लोगों ने मलकान कहाँ ले गए थे? मैं जब लेफ्ट को लेकर इतनी चोट हुई है तो मैं सीधा पहले रसमी चौकी पहुँचा, तो जिस पर दरोगा जी ने कहा इनको मेडिकल कराओ, मैं मेडिकल से सर सीधा मलकान सिंह को लेकर पहुँचाऊँ। मलकान सिंह वालों ने कहा इसको सीधा भाई आप मेडिकल ले जाओ, वहाँ उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने इसको मेडिकल रेफर कर दिया। हालत सीरियस है। मेडिकल पहुँचे हैं पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह ने सभी मारने वाले लड़कों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। लड़के की हालत गंभीर है, उसका लगातार ट्रीटमेंट चल रहा है। बता दें आपको, घायल अब्दुल समद ने बताया उसे मारते वक्त कहा गया कि ये मुस्लिम है और यहाँ कोरोना फैला रहा है। तो बड़ी खबर ये पन्ना देवी क्षेत्र थाने की है, शिवपुरी की, और ये लड़का शिवपुरी से जो बराबर रसलगंज है वही उसी बॉर्डर पे वही रहता है, और वही घात लगाए हुए लड़कों ने इसको पकड़ लिया और उसके साथ बड़ी मारपीट की। लड़का है अब्दुल समद, जिसकी उम्र 25 साल है करीब, वो रोजा अफ्तारने के बाद में उसको घबराहट सी हुई तो उसने यूनो के लिए कुछ दवा लेने के लिए बाहर गया, तो शिवपुरी में कुछ शश प्रसन्न लोगों ने क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल समद। क्या मामला था? मैं रोजा खोला था मैंने, तो मुझे एसिडिटी हो रही थी, मैं इनू लेने गया था, वहाँ पे जाते ही एक आदमी ने मुझे पकड़ लिया, मुंह दबा लिया पीछे से, और वहाँ पे 10-15 लड़के एडवांस में हॉकी डंडे लेकर खड़े हुए थे कि ये कटुए का है और भाई ये कोरोना फैला रहे हैं, इसे मार दो जान से, और सब ने फौरन मुझे मारना स्टार्ट कर दिया। एक ने मुझे नीचे पटक दिया और उस सब 10-15 लड़कों ने सीने पे लाते मैं उनको हटा रहा था, हाथापाई कर रहा था, बचा रहा था अपने आप को, तो उन्होंने देखा ये अपने आप को बचाव कर रहा है, तो उन्होंने यहाँ पैरों पे और उस पर मेरे लाठियाँ बांध जाना स्टार्ट कर दी, हाथों पे और इस पे। फिर मैं वहाँ से धक्का मुक्की करके जो कुछ लोग वहाँ के आ गए बड़े, उन्होंने मुझे उन लड़कों को हटाया, तो मैं वहाँ से जैसे तैसे बच के भाग गया। मैं सबको जानता हूँ, एक एक को पहचानता हूँ। क्या नाम है उनका? एक का नाम भोला है, एक का नाम कपिल है, एक का नाम सूरज है, एक सूरज और है, और एक सिद्धार्थ है, कई। और उसके बाद मुझे होश नहीं रहा, जब मेरे सर शटर में मारे उसके बाद मुझे होश नहीं रहा, लेकिन उसके बाद इतना मुझे महसूस हो रहा था कि और लड़के मेरे ऊपर ताबड़तोड़ लाठी चार्ज कर रहे हैं। और कौन है लड़की की? मैं नानी हूँ लड़के की। क्या बात हुई थी? ये बात हुई है मेरे बच्चों को मारा इस तरह से, इस तरीके से करा, और कभी माहौल खराब नहीं हुआ यहाँ का महल्ले का, और आज इन लोगों ने महल्ले का माहौल खराब कराया। यहाँ हिंदू मुस्लिम कभी किस तरह कभी कोई वो नहीं हुआ, कभी कभी बलवों में किसी में नहीं हुआ, आज हो रहा है, आज नई बात हो रही है यहाँ, कैसा हो रही है? आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए यहाँ, बिल्कुल लड़ाई झगड़े नहीं होना चाहिए, कि कैसा रहे यहाँ के ऐसे आदमी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए सर, बिल्कुल होनी चाहिए, जरूर कार्रवाई होगी। आज हमारे साथ में कल दूसरों के साथ में होगी, हमारा तो हर वक्त का निकलना बैठना है यहाँ का, ठीक हर बड़ी